एक सच्चा दोस्त वो होता है जो परेशानी के समय साथ रहे, पर अगर वही दोस्त पैसों के लिए जान का दुश्मन बन जाए तो क्या कहा जाए। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आ रहा है, जहां कर्ज चुकाने की मांग करने पर दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर डाली। आपको बता दें कि हैदराबाद में 50,000 रुपए की कर्ज की मांग को लेकर तीन लोगों ने एक 28 साल के युवक की हत्या कर डाली। तीनों आरोपियों ने हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर पाटनचेरू में युवक की हत्या कर डाली, जिसके बाद उसे कब्रगाह में दफन कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक ने मृतक से पैसे उधार लिए थे, जिसकी मांग मृतक आरोपी से कर रहा था। बता दें कि मृतक पाटनचेरू कस्बे का रहने वाला था, जिसकी पहचान मोहम्मद समीर के रूप में हुई है। दरअसल समीर बीती 9 सितंबर की शाम से अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद समीर के पिता ने पुलिस में तहरीर दी थी। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी थी। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी, जिसने समीर से उधार लिया था, पाटनचेरू का ही रहने वाला सहक इलियास है, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद इलियास ने कबूल किया कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर समीर की 9 सितंबर को हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे कस्बे के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने शव को कब्रिस्तान से निकाल लिया है, साथ ही इलियास के एक साथी रुस्तम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है।